भाई खेसारी लाल जी ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। खेसारी लाल यादव जी का विरोध करो, सारे लोग झुंड बना के कुत्ते की तरह भौं भौं करो, सिर्फ खेसारी लाल ही सबसे बड़ा गलती कर दिए। इस गलती की कोई माफी नहीं होती। हाँ जी, वही गलती की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, चौको मत, आप सोच रहे हो ना किस गलती की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एक गाना जो गा दिया, चाची की बाती सपनवा में आती है, बाप रे कितना बड़ा क्राइम कर दिया। इससे बड़ा क्राइम थोड़ी होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बाकी तो सारे महापुरुष हैं, बाकी तो भजन गाते हैं, राम नाम करते हैं, दुर्गा माँ का भजन गाते हैं, बाकी तो और कुछ करते ही नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ, एक एक करके पोल खोलता हूँ कि वाकई में ही खेसारी लाल यादव जी के गाने से लोगों को प्रॉब्लम है या खेसारी नाम से प्रॉब्लम है। आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। देखो, मैं यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है, और ना ही मुझे काम है क्रिटिसाइज करना। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे स्टार हैं, भोजपुरी में अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पोस्ट कर रहे हैं बार बार कि खेसारी ने अश्लीलता फैलाया, खेसारी के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील हो गई। सुनो, तुमसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तुमने ही डिमांड किया था अश्लील गाने का। जी हाँ, अच्छे गाने आते हैं तो सुनते तो हो नहीं, तो मुंह बंद करो। दूसरी चीज़ यह है कि मैं देख रहा हूँ जो लोग अश्लील को प्रमोट करते थे, अश्लील के मतलब नाना है, फूफा है पूरा समझ लीजिए, वो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि खेसारी ने तो बर्बाद कर दिया, खेसारी जी ने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। देखो, ये गाने को लेके विवाद हो गया, चलो मैं मान लेता हूँ, आप लोगों का मैं सपोर्ट करता हूँ, मान लेता हूँ खेसारी जी ने गलत किया, मानता हूँ यार खेसारी जी ने गलत किया है, नहीं गाना चाहिए खेसारी लाल जी को, मैं आपका कुछ समय के लिए सपोर्ट करता हूँ, मान लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। एक महीने पहले गाना आया था प्यार भइल आंटी के बेटी से, जी हाँ आप देख सकते हैं, और ये गुंजन सिंह जी ने गाया था। मैं यहाँ गुंजन सिंह जी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम खेसारी लाल से है या प्रॉब्लम खेसारी लाल जी के गाने से है। प्रॉब्लम खेसारी लाल जी के गाने से नहीं है, प्रॉब्लम है खेसारी लाल जी के बढ़ते स्टारडम से। प्रॉब्लम है उस लड़के से जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको मात दे के आगे निकल गया है। प्रॉब्लम है उस ऐसे स्टार से जो कि कुछ दिनों में बॉलीवुड में जाने वाला है। प्रॉब्लम है उस ऐसे स्टार से जो कि भोजपुरी में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। जी हाँ, विश्वास करो मेरा, गाना से प्रॉब्लम नहीं है आपको, आपको प्रॉब्लम है नाम से। आप लोगों को नाम जो है ना हजम हो ही नहीं रहा है। खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, जी हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेसारी जी ने अश्लील गाना नहीं गाया है। भोजपुरी में ऐसा कोई स्टार नहीं जो अश्लील गाना नहीं गाया है। जी हाँ, अश्लीलता को जब रोकना है ना तो विरोध सबका करो, एक का मत करो। सिर्फ खेसारी ने ही अश्लील नहीं बनाया है भोजपुरी को, बहुत लोग हैं ऐसे बनाने वाले। अगर लिस्ट में निकाल दूँ ना तो गिनते गिनते थक जाओगे। हाँ, खेसारी जी ने भी गाया था, एक दौर था। क्यों गाया था पता है? क्योंकि उस समय रोजी रोटी थी भोजपुरी, और भोजपुरी के दर्शक ऐसे थे ना, अच्छे गाने को प्रमोट नहीं करते थे। देखो, आप लोग अच्छे गाने प्रमोट करते हो आज, और इसीलिए आज देख लो परदेसिया, अपनी तो जैसे तैसे, इश्क, एक से बढ़कर एक गाना लेके आया। क्यों लेके आया? गाने तो 2 लाख में बनते हैं, 15 लाख 20 लाख रुपये खर्च करने क्या ज़रूरत है? पैसे सीधे पॉकेट में रखते खेसारी लाल जी, लेकिन अपना पेमेंट कम करके गाने पर लगा कर, जानते हो क्यों लेके आते हैं कि नहीं? मेरे भोजपुरी के लोगों का सम्मान का बात है, लेकिन आप लोग उसी स्टार को ऐसे नीचे दिखा रहे हो। थोड़ा सा भी शर्म है ना भाई, थोड़ा सा भी शर्म है ना, तो प्लीज़ कर लेना। क्योंकि एक बात याद रखना, गड्ढा खोदोगे ना उसी गड्ढे में खुद गिरोगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि गड्ढा खोदता है, दूसरे को गिराता है, खुद बच जाता है, कभी नहीं। ईश्वर की लाठी ना बहुत खतरनाक होती है, जब पड़ती है तो वहाँ पर कोई भी स्टार काम नहीं आता, कोई भी स्टार, ना तो ट्रेंडिंग स्टार, ना तो पावर स्टार, ना तो नॉर्मल स्टार, कोई स्टार काम नहीं आता। बता रहा हूँ ना, ईश्वर की लाठी के आगे सबकी फेल है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे साथ गलत होगा। एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, दुनिया में कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। अगर किसी का अच्छाई नहीं कर सकते तो प्लीज़ यार आप बुराई भी मत करो, कोई हक नहीं है हमें, कोई हक नहीं है। अगर मैं आपका अच्छा नहीं सोचता हूँ तो मैं आपका बुरा भी नहीं सोचूंगा। नहीं तो याद रखना, अगर मैं आपके लिए गड्ढा खोदूंगा ना, उस गड्ढे में खुद गिरोगे, और ऐसा हो चुका है बहुत बार, इतिहास गवाह है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा कि नाम से विरोध मत करो, अश्लील पे विरोध करो, हम भी आपके साथ हैं, हम भी समझाएंगे जो भी कलाकार गाएंगे, लेकिन नाम से विरोध मत करो। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को नाम से प्रॉब्लम है, खेसारी लाल यादव। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में बताना जो मैंने कहा, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल यही हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, खेसारी जी के नाम से प्रॉब्लम है लोगों को, गाने से नहीं।